इस कहानी की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट से जिसका नाम है डॉक्टर हैरिसन, जो किसी जंगल में बेतहाशा भाग रहा था। पता चलता है कि कुछ लोग उसे जिंदा पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। हैरिसन भागते भागते एक चोटी के पास आ पहुंचता है। तब बचने के लिए हैरिसन उस ऊंची चोटी से छलांग लगा देता है। पीछा करते हुए लोगों को लगता है कि शायद हैरिसन मर गया है और वो वापस चले जाते हैं। वहीं अगली ओर हम हैरिसन की वाइफ शेली और उसके बेटे एडम को देखते हैं, जो अब भी उसके आने का इंतजार कर रहे थे। और तब हमें 12 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एडम अब बड़ा हो गया था। स्कूल में टोनी नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर एडम के बालों पर च्युइंगम लगा देता है। तब एडम उसे साफ करने के लिए वॉशरूम में आता है और अपनी हालत देखकर एडम को बहुत गुस्सा आता है। तभी एडम नोटिस करता है कि अचानक उसके पैर बड़े हो गए हैं और जूतों से बाहर निकल आए हैं। वो किसी तरह उन्हें टॉयलेट पेपर से छिपा कर बाहर जाने लगता है, लेकिन तब जाते वक्त एडम ये नोटिस करता है कि अचानक से उसके सुनने की शक्ति भी बहुत बढ़ गई है। तब कुछ समझ नहीं आता और वो भागकर बास्केटबॉल कोर्ट आ जाता है, जहां एडम देखता है कि उसके पैर वापस नॉर्मल हो गए हैं। तभी टोनी एक बार फिर वहां आकर उसे तंग करने लगता है और उसका बैग ऊपर बने गोल में डाल देता है। और फिर घर आकर एडम शेली से झूठ बोलता है कि ये सब स्कूल में खेलते वक्त हुआ। तब शेली एडम के बालों से च्युइंगम निकालने के लिए उन्हें काट देती है, जिसके बाद एडम को लगता है कि अब कम से कम बच्चे उसके बड़े बालों का मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। परंतु जैसे ही एडम सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके बाल फिर से बड़े हो गए हैं। ये देखकर एडम बहुत डर जाता है। तब एडम फिर से अपने बालों को काटकर छोटा करता है, लेकिन वो देखता है कि वो और भी खराब हो गए हैं। और जब शेली एडम को देखती है तो उसे लगता है कि शायद उसने रात को एडम के बाल खराब काटे थे, इसीलिए वो एडम को उसके फादर की एक कैप देती है और एडम स्कूल चला जाता है। और फिर आगे हम हेरको नाम की एक कंपनी को देखते हैं, जिसका मालिक ईस्टमैन क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा था। पता चलता है कि ये एक हेयर रिसर्च कंपनी है जो नेचुरल हेयर्स उगाने पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ईस्टमैन बताता है कि कैसे वो जानवरों के डीएनए को ह्यूमन जीन्स में मिलाकर एकदम असली और नेचुरल बाल उगा सकते हैं। वो उन्हें अपने साइंटिस्ट डॉक्टर बिलिंग से मिलवाता है, जो इस रिसर्च का लाइव डेमो देने वाला है। तब बिलिंग अपने इंटर्न को बुलाता है, जो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस लेटर पर साइन कराने के लिए इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा ले रहा है। तब जैसे ही उसमें एक सिरिंज इंजेक्ट होता है, तब उसके सिर पर बाल उगते हैं। लेकिन क्लाइंट्स देखते हैं कि वो बाल ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहते, जिस पर ईस्टमैन उन्हें बताता है कि वो लोग इस पर मजीद काम कर रहे हैं और जल्द ही इसे एकदम परफेक्ट बना लेंगे। वही अगली ओर स्कूल में प्रिंसिपल एडम की शिकायत पर टोनी और उसके दोस्तों को सस्पेंड करता है और प्रिंसिपल एडम को बताता है कि स्कूल में कैप पहनना अलाउड नहीं है। वही एडम नोटिस करता है कि उसके बाल फिर से बड़े हो गए हैं। ये देखकर वो बहुत परेशान होता है और तब स्कूल के बाहर उसका सामना टोनी और उसके दोस्तों से होता है, जो सस्पेंड होने की वजह से एडम को खूब डांटते हैं। तब एडम उनसे बचकर भागने लगता है, लेकिन तब फाइनली वो उसे पकड़ लेते हैं, जहां एडम अनजाने में अपने फाइटिंग स्किल्स दिखाता है, जिसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं था। तब एडम डर के मारे भागकर अपने घर में घुस जाता है। तब टोनी जाते वक्त उसके घर की विंडो तोड़ देता है। तब कांच हटाते वक्त एडम को किचन में छुपा हुआ एक बॉक्स नजर आता है, जिसे बाहर निकालकर वो देखता है, जिसमें उसे कुछ लेटर्स और एक एड्रेस मिलता है, जिन्हें वो पढ़ने लगता है। और फिर शाम को जब शेली घर आती है, तब एडम उससे लेटर्स के बारे में पूछता है जो उसके डैड ने लिखे थे, जिस पर शेली एडम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एडम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर रात को वो उस एड्रेस को देखता है और बिना अपनी मॉम को बताए चुपके से घर से निकल जाता है। और तब रास्ते में वो एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेता है, जो उसे उस एड्रेस तक पहुँचा देता है, जहाँ एडम देखता है कि वहाँ हर तरफ जंगल है। तब वो एक ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है, जिससे डर कर एडम भागने लगता है। तब भागते वक्त किसी ट्रैप में फंसने से एडम गिर जाता है और फिसलते हुए रोड पर आ गिरता है। तभी वहाँ एक ट्रक तेजी से उसकी ओर आने लगता है, जिसके ड्राइवर का ध्यान एक मैगजीन में था। पर तभी उसकी नजर एडम पर पड़ती है, जिसे कोई साया बचाकर ले जाती है। तब ड्राइवर उसे अपने कैमरे में देखता है और पता चलता है कि वो तो असल में एक बिगफुट था। तब कुछ पैसे कमाने के लालच में वो ये न्यूज एक अखबार वाले को देता है। वही दूसरी तरफ शैली एडम को कमरे में ना पाकर समझ जाती है कि वो जरूर अपने फादर को ढूंढने गया है। तब वो भी जंगल की ओर निकल जाती है। वही ईस्टमैन को भी उस न्यूज के बारे में पता चलता है और वो समझ जाता है कि वो बिगफुट कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर हैरिसन है, जिसे वो लोग मरा हुआ समझ रहे थे। तब वो अपने आदमियों को उसके घर भेजता है, जहां उन्हें एडम के फैमिली फोटोज और वो लेटर्स मिलते हैं जो हैरिसन उन्हें लिखता था। वही हम एडम को देखते हैं, जो एक बिगफुट को देखकर डर जाता है। पर तभी डॉक्टर हैरिसन उसे बताता है कि वो असल में उसके फादर है। ये सुनकर एडम को यकीन नहीं होता, लेकिन एडम देखता है कि वहां दीवार पर उसके फैमिली
सारी फोटोज लगे हुए हैं, जिसे देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तब हैरिसन उसे बताता है कि कैसे एक बड़ी कंपनी उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, जिससे उसकी फैमिली भी खतरे में पड़ सकती थी, इसीलिए वो उन्हें बचाने के लिए दुनिया से चिपकर यहाँ रह रहा है ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके। वही दूसरी तरफ हम शेली को देखते हैं, जिसे ईस्टमैन के आदमी पकड़ लेते हैं। वही एडम अपने फादर को अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस के बारे में बताता है, जिस पर हैरिसन उसे बताता है कि ये सब तो कुछ नहीं है। वो उसे याद दिलाता है कि जब एक्सीडेंट में उसका पैर घायल हो गया था, तब अपने हीलिंग पावर से उसने उसे ठीक कर दिया था। और फिर आगे वो उसके सुनने की शक्ति के बारे में बताता है, जिससे वो दूर दूर तक की आवाजें साफ साफ सुन सकता है। वो ये भी बताता है कि उसके बड़े पैरों की मदद से वो काफी तेज भाग सकता है। एडम ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड होता है। तब उसके डैड उसे एक और स्पेशल पावर के बारे में भी बताता है और कहता है कि तुम भी मेरी तरह जानवरों से बात कर सकते हो। वो उसे अपने कुछ दोस्तों से भी मिलाता है, जिनमें एक बेर भी था। वो सब अपने साथियों के साथ मिलकर दो शिकारियों को भी वहां से भगाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एडम अपने फादर के साथ खेल रहा होता है और वो बहुत खुश होता है। तभी हैरिसन उसे अपने रिसर्च के बारे में बताता है कि कैसे मुझे पता चला कि मेरे डीएनए में कुछ खास है, जिसकी वजह से मेरे बाल बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। ये देखकर ईस्टमैन ने मुझे अपने साथ मिलाना चाहा, लेकिन मेरे मना करने पर उसने जबरदस्ती उस रिसर्च को हासिल करना चाहा। वो शुरू से हमें फॉलो कर रहा था, इसी वजह से मैं कभी वापस घर नहीं गया। वही अगली ओर ईस्टमैन शेली से एडम और बिगफुट के बारे में पूछता है, लेकिन शेली उसे कुछ नहीं बताती। वही हैरिसन के दोस्त शेली को ईस्टमैन के आदमियों के कैद में देखते हैं और वो तुरंत हैरिसन को इसकी खबर देते हैं। तब एडम को रियलाइज होता है कि ये सब उसकी गलती है। वो अपने फादर के मना करने के बावजूद भी उसे बचाने जाता है, लेकिन ईस्टमैन के आदमी उसे भी पकड़ लेते हैं। तब एडम उन्हें जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन देता है, जिसकी वजह से वो लोग एक हॉट स्प्रिंग में फंस जाते हैं, जिस पर ईस्टमैन को बहुत गुस्सा आता है और बिगफुट को पकड़ने के लिए वो कोई और प्लान बनाता है। तब उसके आदमी जंगल में चारों ओर आग लगाते हैं और ईस्टमैन एडम को एक गाड़ी में बंद करके उसे धकेलता है। तब एडम कार से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। पर तभी हैरिसन वहां आकर उसे बचा लेता है। तब हमें पता चलता है कि यही ईस्टमैन का प्लान था और वो एक डार्ट से हैरिसन को बेहोश कर देता है। एडम उन्हें जगाने की बहुत कोशिश करता है, पर तभी वो देखता है कि एक जला हुआ पेड़ उन पर गिरने वाला है। लेकिन तब विल्बर नाम का बेर उसे बचा लेता है, परंतु इससे पहले कि वो हैरिसन को भी बचाता, ईस्टमैन हैरिसन को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद एडम विल्बर और बाकी एनिमल्स के साथ मिलकर प्लान बनाता है और वो लोग उस कैफे के पास आ पहुंचते हैं, जहां ईस्टमैन और उसके आदमी रुके हुए थे। तब वो सब चिपकर उनके गाड़ियों पर चढ़ जाते हैं। वही ईस्टमैन हैरिसन पर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और कहता है कि अगर वो उनका साथ नहीं देगा तो उनकी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। और फिर जल्दी वो उसका डीएनए निकाल लेते हैं और एक बार फिर उसी इंद्रम पर टेस्ट करते हैं। तब देखते ही देखते उसके शरीर पर ढेर सारे बाल उगने लगते हैं। ये देखकर ईस्टमैन बहुत खुश होता है। और फिर इसके बाद हम एडम और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो हेरको कंपनी तक पहुंच गए थे, जहां एडम अपने पावर को यूज करते हुए फैसिलिटी के इंटीरियर का अंदाजा लगाता है और स्टीव नाम के बर्ड की मदद से वो वहां के सीसीटीवी कैमरे को भी बंद कर देता है। तब वो सब किसी तरह अंदर आ जाते हैं, जहां कंट्रोल रूम में उन्हें हैरिसन की लोकेशन का पता चल जाता है। वही विल्बर और बाकी एनिमल सिक्योरिटी से निपटने के लिए एडम की मदद करते हैं, लेकिन तब वो सब पकड़े जाते हैं। परंतु एडम बच निकलता है और वो अपनी पावर यूज करता है और किसी तरह अपने फादर के पास आ पहुंचता है। इससे पहले कि एडम अपने फादर को छुड़ाता, ईस्टमैन वहां आ जाता है, जो कहता है कि उसके फादर अपनी मर्जी से यहां रुके हुए हैं। परंतु एडम उसकी बात नहीं मानता, लेकिन तब हैरिसन उसे बताता है कि ईस्टमैन सच बोल रहा है और वो एडम को वहां से जाने का कहता है। एडम भी समझ जाता है कि वो ये सब उन्हें बचाने के लिए कर रहा है, इसीलिए वो चुपचाप ईस्टमैन के साथ चला जाता है। वही सिक्योरिटी विल्बर और बाकी एनिमल्स को कैद कर देती है और एडम को ईस्टमैन के साथ जाते देखकर उन्हें लगता है कि शायद एडम ने उन्हें धोखा दिया है। लेकिन एडम ने अपने मन में कोई और प्लान बनाया हुआ था। एडम वहां बना एक फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देता है और बंद होते दरवाजे से वापस अंदर चला जाता है। वही ईस्टमैन कंट्रोल रूम का करके उन्हें अलार्म बंद करने और दरवाजे खोलने का कहता है, परंतु ऑपरेटर को लगता है कि शायद सच में आग लग गई है, इसीलिए वो इमरजेंसी बटन को दबाता है, जिससे सभी लोग फैसिलिटी को खाली करने लगते हैं और गार्ड भी ईस्टमैन को उठाकर बाहर ले जाने लगता है। तभी एडम अपने दोस्तों को आजाद करता है और वापस अपने डैड के पास आता है, जो फिर से उसे मना करता है। तब एडम उसे बताता है कि अगर वो नहीं आए तो वो ईस्टमैन को अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देगा कि वो भी एक बिगफुट है। ये सुनकर उसके डैड को भी उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन वो कहता है कि जाने से पहले उन्हें इस फैसिलिटी को तबाह
करना होगा। तब वो वहां रखे कंटेनर तोड़ देता है जिससे निकली हुई गैस सारे फैसिलिटी में फैल जाती है। वही अगली ओर हम शैली को देखते हैं जिसे ईस्टमैन के लोगों ने अपने ही घर में कैद किया हुआ है। वह एक गार्ड को बाथरूम में एडम के बाल नजर आते हैं जो काफी बड़े साइज के थे। तब वो तुरंत ईस्टमैन को खबर देता है कि एडम भी एक बिग फुट है। उधर फैसिलिटी में सिक्योरिटी और सभी जानवर बाहर आ जाते हैं लेकिन गेट लॉक होने की वजह से एडम और उसके फादर वही पास जाते हैं। तब वो दोनों किसी तरह छत तक आ जाते हैं और वह बने तारों को जिप लाइन की तरह यूज करते हुए नीचे आते हैं जहाँ उन्हें ईस्टमैन दिखाई देता है जिसके आदमी शैली को भी वहाँ लेकर आए थे। ईस्टमैन कहता है कि उसे अब हैरिसन की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए वो उसे बेहोश करके ब्रिज से नीचे गिरा देता है। तब एडम एक गन निकाल कर उससे लड़ने जाता है जिस पर ईस्टमैन बताता है कि ये तो बस केवल एक प्लेयर गन है और वो एडम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एडम वो प्लेयर गन हवा में चलाता है जिससे निकली हुई फ्लेम फैसिलिटी में आ गिरती है और गैस के कॉन्टेक्ट में आते ही वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से ईस्टमैन की पूरी फैसिलिटी तबाह हो जाती है और ब्रिज के टूटने की वजह से ईस्टमैन नीचे गिर जाता है। वही एडम भी अपने फादर को ढूंढने के लिए नीचे कूद जाता है जहाँ उसे उसके डैड मिल जाते हैं जो घायल होने की वजह से बेहोश हो गया था। तब एडम जैसे ही उन्हें छूता है तो वो देखता है कि उसके हाथ से भी हीलिंग पावर छूट रहा है। तब अपने हीलिंग पावर की मदद से एडम अपने फादर को होश में लाता है। वही ईस्टमैन एक बार फिर उन पर अटैक करने आता है परंतु शैली इस बार उसे बेहोश कर देती है। तब हमें पता चलता है कि ईस्टमैन के बाल असल में नकली थे और शायद इसीलिए वो बालों के लिए इतना बेचैन था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हैरिसन अब अपनी फैमिली के साथ रहने लगता है और उसने अपने सारे दोस्तों को भी अपने साथ रख लिया है। वही हमें पता चलता है कि इलीगल एक्सपेरिमेंट की वजह से ईस्टमैन को अरेस्ट किया गया है। और फिर स्कूल जाते वक्त एडम का सामना एक बार फिर टोनी से होता है लेकिन इस बार दिलबर और उसके साथी उसका साथ देते हैं। और फिर एंड सीन में हम देखते हैं कि एडम अपनी फेवरेट एमा से मिलता है जो उसके बड़े हुए पैरों को देखती है। तब एडम थोड़ा सा शर्मिंदा फील करता है परंतु एमा उसे बताती है कि वो इसी तरह अच्छा लग रहा है। ये सुनकर एडम बहुत खुश हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।